नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल डेरा सच्चा सौदा। एक प्रख्यात नाम जो अपने मानव भलाई और दूसरे कार्यों के लिए मशहूर रहा। पर्यावरण संरक्षण के लिए लाखों पौधे लगाने वाला विश्व रिकॉर्ड धारी ये डेरा सच्चा सौदा बाहर से आने वाले सैलानियों और श्रद्धालुओं के लिए खूबसूरत नज़ारों का केंद्र रहा। डेरा विवाद और बाबा गुरमीत राम रहीम को 25 अगस्त को सजा का एक वर्ष पूरा हो गया। यहाँ अब न कोई रौनक है और न कोई खूबसूरती और न महकती हुए फूलों की वो क्यारियाँ हैं जो हवा में अपनी छटा बिखेरती थी। सड़कें मनो सुनसान हो गई है, जिन्हें कभी खाली नहीं देखा था आज यहाँ सिर्फ हवा के झोंके आते हैं। वही MSG सिनेमा जो कि कुछ ही दिनों में मशहूर हो गया था वह भी आज खाली नज़र आता है। यहाँ पर हजारों की भीड़ जमा होती थी। यहाँ की दुकानों में भी लोग सामान लेने आते हैं और वही आसपास में घूमते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं वे भी भरी निगाहों से कभी कभार दीवारों की तरफ देखते हैं तो कभी उन पर लगे बाबा जी के पोस्टरों को देखकर नतमस्तक होकर के शीश नवाते हैं। वे कन्फ्यूज हैं या मन को भावुक करने वाले लगता है, जैसे मानो वे कह रहे हों कि बाबा जी ये क्या हो गया। दोस्तों, आज ही के दिन लगभग एक वर्ष पहले यहाँ पर पुलिस का जमावड़ा था। पुलिस चारों तरफ फैली हुई थी और पुलिस के साथ साथ मिलिट्री ने भी अपना डेरा जमाया हुआ था। इन दिनों में कई लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया। शहरवासियों के लिए यह बीते दिन किसी काले अध्याय से कम नहीं थे। श्रद्धालु और डेरा अनुयायियों को भी नहीं पता चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उन पर किसी मुसीबत का पहाड़ टूटा है या फिर कोई और प्राकृतिक आपदा आई है। वहीं डेरे में आने वाले कई आपराधिक किस्म के और शरारती तत्वों ने असामाजिक तत्वों ने भी यहाँ खूब बवाल मचाया। श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ कई लोगों ने कानून व्यवस्था को भी महत्व दिया था। कानून को बड़ा मानते हुए उन लोगों ने डेरा को खाली किया और अपने अपने घरों को पहुँचे। चारों तरफ कर्फ्यू लगा हुआ था। आम लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी थी और काम धंधे बिल्कुल मानो ठप हो गए हैं। यह वह समय था जब डेरे में आने वाले लोग किसी तरह से अपने आप को घर पहुंचाना चाहते थे। वे घर पहुंचना चाहते थे, बच्चों के पास जाना चाहते थे, क्योंकि वे कई दिनों से डेरे में फंसे हुए थे। पुलिस ने और मिलिट्री ने चारों तरफ से घेरा डाला हुआ था। भूख और प्यास से उनकी हालत ख़राब थी। हालांकि डेरे में बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, लंगर वगैरह भी समय समय पर चल रहा था। अंदर प्रशासन और शहर के अंदर शांति कमेटियाँ बनाई गई। उन्होंने पूरे जोर से लोगों को शांति बनाए रखने के लिए भी इस समय में अपील की थी। पूरा कंट्रोल प्रशासन के हाथ में था। वहीं कानून व्यवस्था को भी बना करके रखा गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई थी। हालांकि शहर को नुकसान काफ़ी हुआ था, मगर जिस तरह से डेरा अनुयायियों के लिए और एक डेरा उस समय में गढ़ था, फिर भी प्रशासन की मुस्तैदी और आमजन की जागरूकता की सोच की वजह से बड़ा हादसा नहीं हो पाया। समय में डेरे में आने वाले लोग और जो अंदर थे वे किसी भी तरह से अपने घर जाना चाहते थे। आज ये जो सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं बिल्कुल खाली हैं। इन्हीं सड़कों से छुपते हुए कुछ लोग शहर के अंदर से होते हुए बाहर निकल पाए। जो डेरा श्रद्धालु थे वो निकल पाए थे, यहाँ से चले गए थे, जिसकी वजह से बड़ा बवाल नहीं मचा। आज यहाँ पर वो रौनक नहीं है। चारों तरफ से दुकानें भी लगभग काम धंधे यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। कई दुकानें बंद भी नज़र आ रही हैं। जो आसपास में लोग घूमते हुए नज़र आ रहे हैं वे श्रद्धालु हैं या तो फिर शहर से सामान खरीदने के लिए आने जाने वाले लोग हैं। हालांकि 15 अगस्त को गुरमीत राम रहीम इंसा के जन्मदिवस पर खूब यहाँ पर रौनक थी। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ पर सत्संग भी की और रोज़मर्रा की तरह अपने अपने घरों को लौट गए।